आरपीएफ पुलिस ने सोने के बिस्किट के साथ पश्चिम बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आचार संहिता के चलते जगह जगह प्रशासन चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कटनी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से 274 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ पुलिस की टीम ने मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स विभाग है इस पे कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते इसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो युवक है वो कटनी से सोना बरामद किया गया है और जो सोने का कीमत है 274 ग्राम, इसकी कीमत की बिस्किट जांची जा रही है और जो इसकी कीमत है वो 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस टीम इसकी कार्रवाई कर रही है। ये हावड़ा से कटनी साउथ तक की टिकट थी। इस व्यक्ति को पकड़ा गया था, एक आलमगिरी करके निवासी कोलकाता का है, 53 इयर्स का। कटनी साउथ में जब उतरा है तो समय सघन चेकिंग चल रही थी, क्योंकि विधानसभा का जो आगामी इलेक्शन होने वाला है उसके मद्देनज़र मादक पदार्थ, शराब वगैरह, करेंसी, सोना चांदी आदि का जो अवैध परिवहन होने की संभावना है उसके विरुद्ध में सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से 274 ग्राम के लगभग सोना बिस्किट के रूप में टूटे हुए टुकड़ों में मिला है। कीमत लगभग उसकी 16 लाख बताई गई है।